नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। एक दलित बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर आज भिलवाड़ा में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि दिल्ली के नजदीक के इलाके में एक दलित बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वालों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर आज भारतीय मेघवाल युवा संघ जिला भिलवाड़ा के जिला अध्यक्ष राहुल देव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 1 अगस्त की शाम 9 वर्षीय दलित समाज की एक मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, उस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से महेंद्र नागौरी और विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट। आज हम सब कलेक्ट्री में कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए। दिल्ली कैंट छावनी के नांगल गांव के अंदर एक बहुत ही शर्मसार घटना हुई है। एक छोटी बच्ची, 9 साल की बच्ची, जो दलित समाज वाल्मीकि समाज से है, जो वहाँ पानी लेने शमशान में रोज जाती थी, उस बच्ची के साथ कुछ लोगों ने रेप किया, जो कि पंडित कहे जाते हैं वहाँ के। और उसको रेप करने के बाद जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो उसको मार करके और जलाने का प्रयास किया गया। कुछ ही लोग वहाँ पहुँचे, उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पहुँची, उसे बचा लिया गया। मरीवी को आधी अधमली लाश को वो लेकर के गए और पुलिस को सौंप दिया। अब हम ये चाहते हैं कि महामहिम मोदिया हमारी जो बच्ची के साथ निर्मम हत्या की गई और उसके साथ दुराचार किया गया, ऐसे पापियों को फांसी की सजा हो, उसके परिवार को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपया मिले और उसके घर में एक सरकारी नौकरी मिले। ये घटनाएं हर दिन घट रही हैं, हर पल घट रही हैं। हमारे समाज के साथ ही नहीं, भारत की बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे पीएम मोदी ने नारा लगाया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तो पढ़ेगी ना। आज बेटियां पढ़ने जाने से डर रही हैं, क्योंकि उनके साथ कदम कदम पर छल हो रहा है, कदम कदम पर उन्हें नोच कर खाने वाले दरिंदे बैठे हैं। तो मैं चाहती हूँ बेटियों को सुरक्षित किया जाए, चाहे वो भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, जो भी सरकार आज तक आई है, किसी ने ऐसा अध्यादेश लागू नहीं किया कि हमारी बेटियों को बचाया जाए। मैं वाल्मीकि समाज की बेटी डॉक्टर सुनीता खोकर ये अपील करती हूँ आज समस्त बहुजन और SC ST वर्ग के सामने कि हमारी बेटियों को बचाने की मुहिम चलाई जाए। और बेटी जब तक सुरक्षित नहीं होगी, बेटी ना पढ़ेगी और ना बढ़ेगी। देखो, राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि जो पिछले दिनों दिल्ली कैंट में एक दलित बालिका के साथ जो कुकृत्य हुआ, ऐसे कुकृत्य करने वाले अपराधियों को कठोर से कठोर फांसी की सजा दी जाए और उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी दी जाए। आज जो जितना भी भीलवाड़ा का दलित संगठन आया हुआ है, ये सभी एक पुरजोर से मांग कर रहे हैं, अगर समय रहते उन दरिंदों को फांसी की सजा या उनको अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो पूरा भीलवाड़ा जिले का दलित वर्ग दिल्ली के लिए कूच करेगा। कैलाश देवतवाल, महासभा भीलवाड़ा। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भीलवाड़ा लोकवाणी न्यूज़ ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।